नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल्स एनिमल प्लैनेट और आज हम आए हुए हैं दिल्ली के गांव ढासा के अंदर। यहां पे अब बाजी उड़ने लगी है, तो ये सारे आप जैसे देख सकते हैं अभी ये कबूतरों की एंट्री हो रही है। सारे अपने अपने कबूतर दिखा रहे हैं और यहां अपना जो कलर वगैरह कबूतर का, किस टाइप का कबूतर है, क्या रंग लगाया हुआ है, पहचान वगैरह अभी सबकी एंट्री हो रही है। तो ये सिंगल कबूतर की शर्त है। एक कबूतर की कितनी एंट्री है इसके अंदर? 3100 रुपये, 2100 रुपये, एक कबूतर की 2100 रुपये इसके अंदर एंट्री है। और प्राइस क्या है? प्राइस 21000 रुपये। और 21000 रुपये इनाम है। तो इसके अंदर कोई एक ही कबूतर जीतेगा, एक कबूतर की एक एंट्री है। तो सब अपना एक एक कबूतर की एंट्री कर रहे हैं। चाहो तो आप अपने कितने भी एंट्री कर सकते हो, बट जीतेगा सिर्फ एक कबूतर। तो अब हम फटाफट से आपको दिखाते हैं कौन से लोग अपने क्या क्या कबूतर लेके आए हुए हैं। तो आपको एक बार कबूतर भी दिखाते हैं। तो ये कबूतर बाजी में आए हुए हैं, ये सारे मलवई छतरी वाली बाजी है। ये तो छतरी वाले पहलवान जी के कबूतर है। पर खोल के दिखाना एक बार, और आंख, ये सारे टॉप नस्ल के मलवई कबूतर है। तो पंजाब में भी आप लोग देख सकते हैं, जितने मेरे भाई पंजाब से देख रहे हैं और कहीं से देख रहे हैं, नस्लें यहाँ पे सारी सबके पास एक से एक बनी हुई है। और भी आगे बाकी आज की शर्त पूरा उम्मीद है कि आज शायद रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट इसका कल ही आएगा, क्योंकि कबूतर ज़्यादातर सारे रात रुकने वालों में से लग रहे हैं इसके अंदर। और भी काफ़ी सारे लोग इसके अंदर अभी आ रहे हैं एंट्रियाँ अपनी लिखवाने के लिए, सब कबूतर अपने अपने ले लेकर। तो के नाम वगैरह इसके अंदर लिखे गए हैं, कौन सा किसका कबूतर किस रंग का है, कहाँ से आया हुआ है, वो सारे इसके अंदर लिखा जा रहा है। तो हम ढासा गांव में ताऊजी के साथ है। ताऊजी आप ताऊजी पीतमपुरा से आए? पीतमपुरा विलेज, तो अपना जितने भाई रोहिणी पीतमपुरा में रहते हैं उनको सबको पता है पीतमपुरा गांव कहाँ पड़ता है। तो सर आप कितने कबूतर लेके आए आज? ताऊजी ने 2 कबूतरों की एंट्री भरवाई है। ताऊजी वाले कबूतर अभी आपको मैंने दिखाए थे, इसके अंदर उस सबसे दूसरे नंबर पे जो पिंजरा दिखाया था उसके अंदर ताऊजी के कबूतर है। तो आपने सारे मलवई रखे हुए हैं? कितने रखे हुए हैं अपने पास? 200 कबूतर सारे मलवई। तो आज बाजी बड़ी मजेदार रहने वाली है। सारे जो सीनियर सिटीजन भी है और जो अपना सारा पुराने टाइम से कबूतर पाल रहे हैं, जिनको पूरा एक्सपीरियंस है, सारे के सारे यहाँ पर आपको लोग मिल जाएंगे। जो लोग पहले से सबको जानते हैं वो लोग जरूर देख के पहचान भी जाएंगे कौन कौन बंदा है, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी अब हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सबसे। ये अपने कमल भैया है सुरेड़ा गाँव से, इनके साथ शशि भैया भी है। शशि भैया आज शशि भैया थोड़ा कैमरा से शर्मा रहे हैं, इधर ये शशि भैया है, ये अपना प्रहलाद भैया, आनंद भैया, शशि भैया, ये सारे के सारे एक साथ ही हैं, तो इकट्ठे ही शौक है। तो आपने कितने कबूतर छोड़े भैया? भैया एक कबूतर लेके आए हैं और आप अपना इकट्ठे एक कबूतर आया हुआ है। तो ये सिंगल कबूतर की बात है, इसके अंदर एक ही कबूतर जीतेगा जितने भी होंगे। तो ये हमारे पहलवान जी हैं, ये भी एक कबूतर लेके आए हुए हैं, इसके बारे में भी भैया बता रहे हैं, इसने काफी सारी बाजियां जीत रखी है। भाई मैं आज किसी के कबूतर हाथ में नहीं पकड़ने वाला, क्योंकि बाजी का टाइम है, गलती से कोई परवर किसी इधर उधर हो रहा है वाली बात है। तो पता नहीं, बाकी देखते हैं क्या होता है, सबको अपने अपने कबूतरों पे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है। तो बहुत बढ़िया पहलवान जी, एंट्रियाँ सारे लोग फटाफट कर रहे हैं। 8 बजे की बाजी थी, 8:30 बज चुके हैं इस टाइम पे। ये हमारे आनंद भैया, ठीक है ना कैमरे में?
ये हमारे कबूतर तैयार होते हुए, ये पानी पिलाते हुए कबूतरों को। ये बगीरा भाई है सोनीपत। ये बगीरा भैया अपना सोनीपत से आए हुए हैं, हरियाणा सोनीपत। भैया आपने कितने कबूतर रखे हुए हैं अपने पास? अपने पास हैं भैया 50-52 कबूतर भैया ने रखे हुए हैं। 50-52 में से एक कबूतर आया। तो ये एक कबूतर वाली जो बाजी है ये बड़ी मज़ेदार रहती है, क्योंकि इसमें किसी ने 200 रखे हुए हैं, किसी ने 50, किसी ने 100, तो उनके अंदर से एक एक कबूतर छांट छांट के आया होता है। तो अभी भैया ने पानी वानी दे दिया। आनंद भैया भी कुछ कार्रवाई बिठा रहे हैं कबूतरों के ऊपर। मोहर दिखाना पीछे 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 पीछे, बस बस बस, ये मोहर लग गई कबूतरों पे। ठीक है, छोड़ दे भाई, तो भाई अब कबूतर छूटने लगे हैं सबके। ये गए कबूतर ऊपर थोड़ा है। सबके कबूतर छूट चुके हैं, वो ऊपर आप देख सकते हो कबूतर। तो ये सबके कबूतर ऊपर आपको शायद दिख रहे होंगे टुकड़ी बना के उड़ते हुए। ये एक कबूतर आ रहा है ऊपर। तो भाई यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं कबूतर सबके, कि अभी अभी छूटे ही हैं बस। ये सबके कबूतर ऊपर चले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। अभी अभी वापसी यहीं पर आ जाएंगे घूम फिर के, शाम को इनको छतरियों पे उतारा जाएगा। तो जो भी रिज़ल्ट रहता है वो हम आपको एक छोटी सी नेक्स्ट अगले फॉलोअप वीडियो के अंदर बना के बता देंगे। तो थैंक यू ये वाला पार्ट देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहें।